नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूँ। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टीवीसी एंड एमसी, टीवीसी व एमसी में संबंध। चित्र में आप देख सकते हैं टीवीसी और एमसी में वही संबंध है जो लगभग टीसी और एमसी में था, लेकिन यहाँ थोड़ा बेसिकली अंतर है। टीवीसी वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, जबकि टीसी वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं होता। टीवीसी वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब कि उत्पादन की जीरो होने पर लागतें भी जीरो हो जाती हैं, परिवर्तनशील लागतें। जब एमसी घटता है तो टीवीसी घटती दर से बढ़ता है, क्योंकि टीवीसी का ढाल ही क्या है, एमसी। खास बात, एमसी वक्र टीवीसी वक्र का भी ढाल है और टीसी वक्र का भी ढाल है, इन दोनों का ही ढाल है। एमसी का न्यूनतम बिंदु टीवीसी के ढाल के परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि एमसी बढ़ती है तो टीवीसी बढ़ती दर पर बढ़ता है। तो ध्यान दें कि जब तक एमसी घटेगा, टीवीसी बढ़ेगा तो सही, लेकिन घटती दर पर। और जब एमसी बढ़ेगा तो टीवीसी बढ़ेगा, लेकिन उसकी दर क्या होगी, बढ़ने की। एम ही दर है, एम जैसा रिएक्ट करेगा, एम जैसा बिहेव करेगा, वैसा ही टीवीसी रिएक्ट करेगा। इसका विशेष ध्यान दें।